ग्यारसपुर नेशनल हाईवे और पठारी ब्लॉक के भाल बमोरी चौराहे पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। ग्यारसपुर नेशनल हाईवे 146 बागरो चौराहे पर और पठारी ब्लॉक के भाल बामोरा चौराहे पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र के द्वारा लाए गए कृषि कानून बिल को लेकर ट्रैक्टर ट्राली के साथ 3 घंटे हाईवे पर जाम लगाकर अपना विरोध व्यक्त किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन का कहना है केंद्र सरकार जो 3 काले कानून लेकर आई है वो वापस ले, केंद्र के नेतृत्व एवं प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 3 घंटे के लिए हाईवे जाम किया गया है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष यादवेश सिंह यादव का कहना है केंद्र सरकार जो 3 काले कानून लेकर आई है वो वापस ले। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हमने ये चक्का जाम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार किया है। जो केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून रखे हैं उनके विरोध में हमने ये चक्का जाम रखा है, जो कि 75 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर हमारे किसान भाई डले हुए हैं और उनकी किसी भी तरीके से उनकी कोई भी बात को सुना नहीं जा रहा है। और ये केंद्र सरकार जो कृषि कानून है, 3 कृषि कानून ये हम लोगों पर, किसानों पर थोपे जा रहे हैं। अगर तो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता 3 घंटे का चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 3 काले कानून वापस लो, किसान विरोधी काले कानून वापस लो। देखिए, यह तो वो बात हो गई कि कौन से किसान संघ ने मोदी जी से कहा था कि यह कानून लाइए। कानून किसी के हित में लाया जाता है, कोई मांग करता है, बिना मांगे ये कानून बनाना कहीं ना कहीं उनका सिद्ध होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कानून बनाए, जब तक है वापस नहीं होंगे। किसान संघों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगी। आपने ये चक्का जाम का निर्णय लिया है, ये कब से कब तक चलेगा? 11 बजे से 2 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश में चक्का जाम है और 2 बजे है चक्का जाम समाप्त। बीजेपी के अभी कार्यकर्ता और जैसे नेतागण हैं जो सब लोग बता रहे हैं इससे कानून से, कृषि कानून इससे फायदा है किसानों के लिए। एक बात बताइए, बीजेपी का सहयोगी दल अकाली दल पिछले 25 सालों से एनडीए का पार्टनर था, उसने सरकार छोड़ी, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री हरियाणा में इस्तीफा लेके घूम रहे हैं। यदि कानून किसानों के हित में होता तो भाजपा के जो विचारधारा के किसान संघ हैं वह भी इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। यह कानून सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।